गुजरात के सूरत में एक 69 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव शख्स की रविवार को मौत हो गई। गुजरात में कोरोना से पहली मौत के साथ ही देश भर में मृतकों का आंकड़ा अब 7 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पूरा देश एक हो गया है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80 के करीब नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रविवार सुबह तक पूरे देश भर में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 350 से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां अभी तक 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते देश की राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहली मौत का मामला सामने आया है। 69 साल के बुजुर्ग की मौत। सूरत के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। दिल्ली जयपुर से यात्रा कर आया था बुजुर्ग। किडनी और अस्थमा की बीमारी से जूझ रहा था मरीज। वहीं मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की लैंडिंग पर रोक लगा दी गई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते राज्य में सभी परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रखने के निर्देश जारी किए हैं। 9 बजे जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन जारी रहेगा। सुबह 6 बजे तक प्रशासन ने इसकी सीमा बढ़ा दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तक 354 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में सभी सीमाएं हमने सील कर दी हैं। आने जाने वालों पर सख्ती होगी और ऐसे लोग जो गांव शहरों में आकर रह रहे हैं उन्हें खोज खोज कर निकाला जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों को बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं कोलकाता में भी सोमवार से मेट्रो नहीं चलेगी। कोरोना वायरस के चलते भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है। देश भर में तेजी से पांव पसारते कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना प्रभावित 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं। पाबंदी उन 75 जिलों में लगाई गई है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।